वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे से खबर यह है, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से ताजरों के वफद की मुलाकात, मुल्क की मजमू सूरत हाल और मईशत के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताजरों ने दरपेश माशी मुश्किल के हवाले से आगाह किया, नवाज शरीफ माशी मुश्किल के हल का एजेंडा देंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ताजरों से गुफ्तगू, तो आपको आगाह कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से ताजरों के वफद की मुलाकात, मुल्क की मजमू सूरत हाल और मईशत के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताजरों ने दरपेश माशी मुश्किल के हवाले से आगाह किया, नवाज शरीफ माशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ताजरों से गुफ्तगू। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर एसोसिएशन के अहदेदारों नुमाइंदों की मुलाकात हुई। उनकी मजमू सूरत हाल और मईशत के हवाले से मुल्क पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ की ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ मुआशी मुश्किल के हल का एजेंडा देंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ का जो एजेंडा कौम को इकाद और मुआशी बहाली है, मुआशी बहाली और बेजाई से निजात के लिए जरूरी है कि माजी की गलतियां ना दोहराई जाए। कौम का इतिहास सियासी तसलसल और दुरुस्त पॉलिसियों से ही मुआशी खुद इनसारी और तरक्की यकीनी बना सकते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम नवाज शरीफ की क्यादत में बादशाह मुस्लिम लीग नून को जिम्मेदारी दे, महंगाई से निजात और तरक्की की जमानत देता हूँ। ताजरों ने दरपेश मौसी मुश्किल के हवाले से अदा किया, ताजरों ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने पर बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ की काशों को खराज तहसील पेश करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की मिसाके मईशत की तजवीज जो है उस भरपूर और तायद और हमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि ताजर बरादरी दिलो जान से मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका।